नमस्तु नमस्तु हमारा प्रश्न ये है नया मंदिर विराजमान करते समय मूल नायक प्रतिमा विराजमान करना और दूसरी प्रतिमा विराजमान करना या द्रव्य को दान देना पंच कल्याण के समय दोनों तीनों दानों के अंदर और भी कोई सामग्री दान देना कौन अंतर क्या है जो मौका मिल जाए सो दो मैं मूल नायक की महिमा बना दूंगा तो तुम कहोगे हम तो मूलई नायक करेंगे तुम लोग हो बनिया तो बाकी को कौन करेगा मैं बाकी को करूंगा तो मूल नायक को लोग भूल जाएंगे मैं किसी एक पर वेट डालूंगा तो तुम बाकी दूसरे को भुला दोगे तो मैं नहीं चाहता मैं तो चाहता हूँ सब करो और न केवल मूलनायक बनाओ न केवल भगवान विराजमान करो न पूजा के लिए द्रबदान दो न केवल पंचकल्याण के, के लिए द्रबदान दो मुझसे तो ये आशीर्वाद लो कि पूरा मंदिर में बना ला क्या बात। सर क्यों छोड़ना है जितना उत्कृष्ट तम हो सके उतना करो फिर भी आप पूछते हो तो बता देता हूँ मूल नायक को बनाना सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ वही पाता है जो सर्वश्रेष्ठ लगाता है तो कोशिश करो पहली कोशिश कि हम सर्वश्रेष्ठ लगाए नहीं मिले तो फिर सेकेंड फिर थर्ड आप लोगों के पास ऑप्शन होता है ना पहले उत्कृष्ट पाने की कोशिश करो फिर नहीं है तो दूसरे में फिर तीसरे नंबर चौथे में आप लोग अभिषेक की बोली लेते हो ना पहला कलश ले लूँ चलो नहीं हो पाया दूसरा ले लूँ दूसरा नहीं ले पाए तीसरा ले लूँ तीसरा नहीं ले पाए चौथा ले लूँ लेकिन ले लूँ ना हम तो पहले लेंगे तो कर्म और फूटेंगे आज भाग्यहीनता के कारण पहला नहीं ले पाए तो दूसरा लोग है तो कल पहले नंबर में आने का सौभाग पाओगे लेकिन पहला ही लू इस अकल में बैठे रहोगे तो जो है वो भी खो दोगे इसलिए धर्म क्षेत्र में जो मिले और जितना शक हो उतना कर लो बाकी की भावना भाव